तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इस वीडियो सीरीज के लाने का मेन पर्पस ये है कि आपको पता है कि आपका जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है उसने सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है और रिजल्ट आई होप बेहतर आया होगा। और अपने अकॉर्डिंग आपको तो पता ही है कि रिजल्ट क्या है, कैसा है। और थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ होगा, लेकिन वो चीजें एक तरफ है और जो आपका अभी जो सेमेस्टर चल रहा है वो चीजें एक तरफ है। तो बेसिकली आपको बैक पेपर पे ध्यान ज्यादा ना देते हुए आपका जो करेंटली सिचुएशन है उस चीज पे आपको ध्यान देना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने जो चीज है उसको पहले क्लियर करना जरूरी है। बैक की जो प्रोसेस है वो चीजें तो होती रहेंगी। तो मेरा मेन टारगेट ये है कि आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और कंटिन्यूअस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके दिसंबर में होने वाले हैं। एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली डिस्टरबेंस कोई आपको नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। ओके, बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें तो ये आपका सितंबर महीना चल रहा है, तो सितंबर में आपके लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर में आपके 30 दिन और नवंबर में आपके 30 दिन, यानी टोटल हम कह सकते हैं कि हमारे पास लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं। और जो भी करना है हमें इसी 2.5 महीने के अंदर करना है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके मिड सेम पीयूटी जो भी ऑर्गेनाइज करती है इसी 3 महीने के अंदर करती है। और इस 3 महीने की अगर मैं बात करूं तो इसी में आपका जो अगला महीना आ रहा है वो अक्टूबर, उसमें आपका दशहरा है, दिवाली है, छठ पर्व है, और इसमें थोड़े से स्टूडेंट डिस्टर्ब रहते हैं। बेसिकली जो बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, वो दशहरा छठ ये सब चीजें करने के लिए अपने घर जाते हैं। बेसिकली वो जाए लेकिन ज्यादा वक्त वहां पे अपना यूटिलाइज ना करें, क्योंकि उनका सेमेस्टर भी आ रहा है, तो थोड़ा सा उन चीजों पे भी फोकस उनको करना है। तो बेसिकली आपके पास टाइम लगभग पूरा अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 2 महीने ये आपके पास टाइम है। तो बेसिकली अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट ना करते हुए अपने स्टडी पे आपको फोकस करना है। हमारे जो चैनल है उस पर कंप्लीट वीडियो सीरीज पड़ा हुआ है, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनके लिए चल रहा है करंटली, और जो भी स्टूडेंट आपके जूनियर्स है या फिर जो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं उन तक भी इस चैनल को प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। ओके, तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।